मुझे आज भी बहुत अच्छे से एक बात याद है। मुझे एक व्यक्ति से कुछ समय पहले बात करनी थी। मैंने उसे कई बार कॉल किया, वैसे मेरा फोन नहीं उठाया। आप ट्रस्ट कीजिए, चौथी बार मैंने उसको कॉल नहीं किया। कुछ साल पहले की बात है। मुझे एक भाई ने कहा फोन कर लो ना। मैंने बोला बस अब मैं और अपनी बेइज्जती नहीं करवाऊंगा। बोला क्यों, क्या हुआ, ये कोई तरीका है? 2 घंटे से कॉल कर रहा हूं, उसको उठाने का टाइम नहीं है। क्या मेरे मन में ये ख्याल आया कि ये फोन नहीं उठा रहा है, सब ठीक है कि नहीं? इसके घर में सब ठीक है? कहीं ये बीमार तो नहीं पड़ा है? कहीं इसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? आप ट्रस्ट कीजिए, नेक्स्ट डे उस भाई ने जानते मुझे कॉल क्या किया। बोला भाई माँ की शुगर बहुत बढ़ गई थी, उसे लेके जाना पड़ा। और मैं अपने आप पे सोच रहा था मैं कैसा व्यक्ति हूं, मैं क्या कर रहा हूं। कभी कभी आप देखिए हमारे मन में जो पैदा होता है। एक बहन जो बहुत टाइट फिट्स पहनती है, जब वो आपके यहां से गुजरती है आपके मन में क्या ख्याल आते हैं आप जानते हो क्या? आप ये कहते हो? मैं कभी कभी सोचता था कि जब ईशु के सामने स्त्रियां जाती होंगी तो ईशु उनको देखकर, अब सीधी सी बात है ईशु पट्टी पहन के तो नहीं घूमता था, ऐसा लिखा है कि ईशु काली पट्टी पहन के घूमता था। जब ईशु भी किसी स्त्री को देखता था तो जानते हो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो किसको देखता था जो वेल ड्रेस्ड नहीं थी, तो मुझे लगता है वो उनको देख के ऐसा सोचता होगा ये मेरी वो बेटी है जिस दिन एक दिन मैं इसके लिए बलिदान हो जाऊंगा। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जब यीशु किसी स्त्री को देखता था तो वो ऐसे सोचता होगा ये मेरी वो बेटी है जिसके लिए मैं एक दिन अपने आप को मार दूंगा, मैं बलिदान हो जाऊंगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने उन दिनों के बारे में जाना? ऐसा लिखा है कि उन दिनों में मनुष्य के मन में जो कुछ पैदा होता था वो बुरा ही होता था। आज कभी कभी आप देखिए, माफ कीजिएगा मैं ये बात कह रहा हूं, जरा आप देखिए आपका जिनमें काम फंसा हुआ रहता है, आप न चाहते हुए भी कितना स्वीटली बात करते हो उनसे, लेकिन जिनमें आपका काम नहीं है उनके साथ आप कितने हार्ड होते हो, कितने हार्ड होते हो आप उनसे। जरा सोचिए, जिसमें आपका काम फंसा हो गवर्नमेंट ऑफिस में जाके बात करके दिखाओ, जाओ लाइसेंस वाले से टेढ़ा बात करके दिखाओ, उसको बोलो ए लाइसेंस दे चल, बोलेगा क्या? उसका आपका लाइसेंस उसके पास होगा भी ना तो भी आपको 6 महीना यहां वहां भटकाएगा, बोलेगा जा चल। मेरे साथ हुआ है ऐसा। लेकिन आप देखो जब आप प्राइवेट बैंक में जाते हो तो वहां पर लोगों को बोलते हो पानी लेकर आओ। स्टेट बैंक में करके दिखाओ, क्योंकि आपको पता है प्राइवेट कौन सा है गवर्नमेंट कौन सा है। जाओ स्टेट बैंक में चल के दिखाओ, कैनरा बैंक में चल के दिखाओ, जो गवर्नमेंट बैंक से वहां पर कुछ करके दिखाओ। लेकिन जब आप प्राइवेट बैंक में जाते हो आप देखो आपका एटीट्यूड बदल जाता है। कई बार आप, मुझे आज भी याद है, एक दिन मैं लोकल ट्रेन में था तो मैं किसी के सामने से खड़ा हो गया था। 4 लोग बैठते हैं ना, मैं से खड़ा हो गया था। आप उठोगे मैं बैठूंगा तो मैं से खड़ा हो गया था और मैं उनसे इतना सॉफ्टली चल रहा था, मैं उनको बोल रहा, वो मुझे बोल रहे थे, उनके एक रिश्तेदार भी थे वहां पर, तो उन्होंने बोला पानी है क्या? मैंने बोला मेरे पास है, मैं दूं? और मैंने उनको पानी पिलाया, उन्होंने मुझे थैंक यू बोला। और जानते हुआ क्या, जब थाना आया तो ऐसे बैठा हुआ था, अपने रिश्तेदार को बोलता है, मैंने बोला उसको बोलता है, और जैसे उठा वो बैठा, मैं अंदर में, मुझे प्रभु ने कहा ढोंगी क्यों? अच्छा चल रहा था, काम नहीं हुआ तो रियल हो गया मैं। कभी कभी आप देखो जिनमें आपका काम फंसा हुआ रहता है, काम वाली भाई को तो आजकल रानियों की तरह रखा जाता है, क्योंकि पता है अगर ये नहीं आई तो कल काम वाली भाई मैं हूं, है ना? अब भाई लोग भी देखिए वर्कर से कभी कभी जिसको पूरा काम आता है उसके गुलाम बन जाते हैं, तो कल आएगा ना भाई, आना मैं किधर जाने वाला हूं।
लेकिन जिनमें आपका काम फंसा हुआ नहीं है, ओ हो, उसके बाद देखो उसके साथ आप कैसे कितने हार्ड हो। इसलिए यीशु ने कहा, आओ मुझसे सीखो, क्योंकि मेरा दिल नम्र और दीन है। मैं सबके साथ हार्ड नहीं हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन कि उसने इनवाइट किया, आओ और लर्न करो, आई एम हम्बल एंड जेंटल इन द हार्ट। ये सारी बातें उन दिनों में थी। जरा देखिए, जब आपको पैसे नहीं होते हैं, मां बाप से कैसे बात करते हो? लेकिन जिस दिन पैसे आ जाते हैं, तू करके बात करते हैं। आज की जनरेशन मालूम है मां बाप को क्या बोलती है? तू है ही पागल, तुझे तो अकल नहीं है। अगर आप यूथ हैं, मैं आपको एडवाइस देता हूं, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आंख बंद करके उनकी मानो। मैं नहीं कहता हूं कि अगर वो आपको कुछ ऐसा सिखा रहे हैं जो प्रभु के खिलाफ है वो करो, पर एटलीस्ट उनका ऑनर करो। जरा उन लोगों से पूछो जाके जिन्होंने मां बाप खो दिए, उनको कितनी याद आती है कि काश मैंने कदर की होती उसकी। लेकिन बहुत लोग जीते जी कदर नहीं करते हैं, राइट? मैं गलत बोल रहा हूं? ऐसा लिखा गया है परमेश्वर के वचन में कि उन दिनों में इंसान के मन में जो पैदा होता था वो बुरा होता था। मैं प्रभु से कई बार पूछता हूं, प्रभु हमें पाखरू क्यों मिला? ताकि तेरे अंदर कुछ अच्छा पैदा हो। क्यों तूने हमें पवित्र आत्मा दिया? ताकि तुम्हारे अंदर, पौलुस कहता है, मुझमें कोई बलि वस्तु वास नहीं करती। और मैं जानता हूं एक ही बलि वस्तु इन दिनों में हमें वास करती है, पवित्र आत्मा। कौन इस जीव को वश में कर सकता है? उसके बाद लिखा है, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता। मनुष्य से नहीं हो सकता तो एक ही आंसर है, एक ही है जो उसे कंट्रोल कर सकता है, पवित्र आत्मा। आप जानते हो, बाइबल बताती है नूह के दिनों में ऐसा हुआ कि जो कुछ इंसान के मन में पैदा हो रहा था वो सब बुरा ही पैदा हो रहा था। और उन दिनों में एक और चीज वहां पर हो रही थी, ध्यान दीजिएगा, एक और चीज वहां पर हो रही थी। आई एम सो सॉरी ये कहते हुए, लेकिन ये सच है। उन दिनों में बहुत सारे लोग अनलॉफुल सेक्स कर रहे थे। याद रखिए, सिर्फ परमेश्वर ने एक ही प्यार को व्यभिचार नहीं कहा है, हस्बैंड और वाइफ। अगर एक पति पत्नी शादी के बाद एक दूसरे को छूते हैं, बाइबल इसे व्यभिचार नहीं, प्रेम कहती है। लेकिन अगर वो शादी से पहले एक दूसरे को छूते हैं तो बाइबल उसे व्यभिचार कहती है। आप जानते हो, इस बात को याद रखना, सेक्स इज नॉट फॉर मैन एंड वुमेन, इट्स फॉर हस्बैंड एंड वाइफ। वो एक पति पत्नी के लिए है, आपके लिए नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखें। मैं कितने लोगों से मिला इन दिनों में, बहुत सारे लोगों से, जिन्होंने बहुत सीरियस मिस्टेक्स की हैं। प्रभु तो उनको माफ कर चुका है, खुद को माफ नहीं कर पा रहे। बोलते हमने ये किया, हमने वो किया। मैंने उनसे सरेंडर प्रेयर्स करवाई, बोलो कि मैंने खुदा तुझे अपना जीवन वापस दिया। एक महीने के बाद वापस कॉल, ब्रदर मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। आप जानते हो उन दिनों में क्या हो रहा था? परमेश्वर ने एक स्त्री और एक पुरुष को एक विवाह में बांधा है ताकि वो एक साथ रहें, अपना वंश बढ़ाएं। लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं था। उन दिनों में तो छोड़िए, स्त्री और पुरुष भी छोड़ो, स्त्रियां स्त्रियों के साथ, पुरुष पुरुषों के साथ पाप कर रहे थे। आप पढ़ सकते हो, लूत के दिनों में भी ऐसा होता था। लूत ने दो स्वर्गदूतों को बोला, आओ अंदर छुप जाओ। अरे वो अंदर छुप गए, पूरा नगर वहां पर आ गया। बोलते हैं निकाल उन दोनों को बाहर। लूत कहता है, मेरी बेटियों को देखो, उन्होंने किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा है, उन्हें ले जाओ, पर इनको मत करो, ये अतिथि हैं। बोलते हैं नो, वी वांट मैन, हमको वो चाहिए। इतना व्यभिचार बढ़ गया था। जब परमेश्वर ने देखा कि मन में ऐसा पैदा होता है, ये लोग क्या कर रहे हैं, अनलॉफुल सेक्स करते हैं ये लोग, उसके बाद एक और चीज लिखी है, उन दिनों में मनुष्य की गिनती बढ़ रही थी। आज आप देखिए पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है। हम इंडिया में कितने, 127 करोड़ लोग रहते हैं, वो भी मैंने 3 महीना पहले पढ़ा था। हर दिन, मैं ये नहीं कहता हूं कि पॉपुलेशन बढ़ना, पर मैं कहता हूं जो उन दिनों में हुआ था
वो आज भी आप देखते हो। अब हुआ क्या, ऐसे माहौल को परमेश्वर बचाने की कोशिश कर रहा था और परमेश्वर ने एक व्यक्ति को देखा जिसका नाम था नूह। और आप जानते हो वो एक ऐसा व्यक्ति था जो मैं नहीं कहता हूं परफेक्ट था, पर अपराइट था, वो प्रभु के साथ चलता था। और ऐसा लिखा है नूह धर्मी पुरुष था और प्रभु के साथ चलता था। आप जानते हो नूह धर्मी कैसे बना, प्रभु के साथ चलते हुए। एक व्यक्ति अगर कहता है मैं धर्मी हूं तो याद रखना उसमें धार्मिकता निवास करती है। धार्मिकता का मतलब होता है मसीह का स्वभाव। यीशु ने कहा धन्य हो तुम जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो मेरे तरह बनना चाहते हो, मैं तुम्हें बनाऊंगा। उन दिनों में ऐसा था। और परमेश्वर नूह को एक आज्ञा देता है कि सुन एक काम कर, गोपेर वृक्ष की लकड़ी ले। और उसने अपने तीन बेटों की मदद ली इसमें। हर दिन नू एक जहाज बनाने लगा। और अब मैं आपको जो समझा रहा हूं प्लीज इस पे ध्यान देना। आप इस बात को याद रखिए नू अपने 24 घंटे कैसे बिताता था। फर्स्ट वो बोट बना रहा था, सेकंड वो हाफ डे प्रीचिंग करता था। और मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल में उस टॉपिक के बारे में भी लिखा गया है जिस टॉपिक को लेके वो उन दिनों में प्रीच कर रहा था। ऐसा लिखा गया है धर्म का प्रचारक नू, बोलिए धर्म। ऐसा लिखा गया धर्म का प्रचारक नू उन दिनों में बचा और संसार को दोषी ठहराया। आप जानते हो जब बाइबल कहती है धर्म तो उसका अर्थ क्या है, तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो और बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जब बाइबल कहती है राइचियसनेस धर्म, इसका अर्थ क्या है, प्लीज आप बाइबल मत खोलिएगा, मैं आपको एक सिंपल वर्ड दिखा रहा हूं ताकि आप इसको समझ पाओ। पंकज व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का लास्ट वर्ड कोट करो। देखो जब बाइबल कहती है धर्म का प्रचारक तो धर्म होता क्या है, यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें तो यही हमारे लिए धर्म ठहरेगा। दैट्स कॉल्ड राइचियसनेस। जानते हो नूह ने क्या प्रचार किया, राइचियसनेस। बंद करो ये सब, उसने कहा निकलो इन बातों से, मैं एक जलियान बना रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए बोट बना रहा हूं। एक आदमी ने तो कहा उसकी बोट इतनी बड़ी थी कि एक स्टेडियम में आ सकती थी, इतना समय लगा। 120 साल तक वो आदमी, सोचो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके अपना काम करता होगा और फिर प्रीच करता था बोट के बाहर खड़े होके। लोग आते थे और वो कहता था सुनो कुछ इंसिडेंट होने वाला है, तुमने कभी पानी नहीं देखा है ना ऊपर से गिरते हुए, पानी गिरेगा, ये बोट है चलो, पर इस बोट में चढ़ने से पहले पश्चाताप करो, रिपेंट करो, आओ ऊपर तुम बचोगे। कोई बात नहीं मान रहा था, सब सबको लग रहा था ये एकदम इज अ क्रेजी, ये पागल है, ऐसी बातें कहता है। लोगों ने आज तक क्या देखा है आसमान में, प्लेन, परिंदों को उड़ते हुए, रॉकेट्स उड़ते हुए। क्या वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि इसी आसमान पे अब बहुत जल्द एक व्यक्ति आने वाला है अपनी कलीसिया को उठाने के लिए, जैसे नूह के दिनों में हुआ था लिखा है वैसे ही होगा। और बाइबल ऐसा बताती है 120 साल तक प्रचार हुआ, हर दिन बोट बनाई जा रही थी, प्रचार किया जा रहा था, बोट बनाई जा रही थी, प्रचार। और एक दिन ऐसा हुआ प्रभु ने कहा ओवर, फिनिश। और लिखा है नूह अपने परिवार के साथ गया और प्रभु ने उसका दरवाजा बंद किया। और याद रखिए अब जो मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आप से इसी भाई से एक सवाल पूछता हूं, अगर 120 साल आप प्रचार करो और एक आत्मा ना बचा पाओ, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप 120 साल कर ही नहीं पाएंगे। अरे मैं आपको कहता हूं एक महीना प्रचार करो, एक महीना, और कोई बिलीव ना करे, आपके अंदर स्लोली स्लोली डिस्करेजमेंट घुसेगी कि क्या प्रचार करूं, कोई सुनता है क्या। हम कितने जल्दी फेड अप हो जाते हैं किसको सिखाने के द्वारा, हम अपना बिहेवियर ही बदल देते हैं, बैठे रहे करूंगा ही नहीं मैं तो कुछ तो। यू नो उस आदमी ने क्या एटीट्यूड रखा था, उससे गिव अप नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं जब आप किसी को समझाओ ना ये नहीं ये कर, ये नहीं ये कर, और आप देख रहे हो बिल्कुल रिजल्ट नहीं आती है, मैं आपको बताना चाहता हूं गिव अप मत करो, दुआएं करो, मसीह को अपने अंदर प्रकट, मसीह को दिखाओ।
और आप जानते हो एक दिन ऐसा हुआ जब वो चला गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस बात को, उन दिनों में जब नूह बातें कर रहा था वो उन बातों को समझ क्यों नहीं पा रहे थे? बाइबल बताती है तीन जगहों पे उनका मन था। पहली चीज खाने और पीने में। बोलिए बाजू वाले को, उन दिनों में लोगों का मन खाने पीने में था। अब ध्यान दीजिए, कितने लोग ये बात जानते हैं, यीशु भी खाना खाता था। खाना पीना पाप है? फिर यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि अंतिम दिनों में लोग खाएंगे पिएंगे? जानते हो यीशु क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे? वो ये कह रहे थे लास्ट डेज में तुम लोगों को खाने के लिए क्रेजी देखोगे। इतना टाइम, इतना पैसा, इतनी एनर्जी वेस्ट करेंगे वो खाने के ऊपर, पर वो उतनी एनर्जी मुझे सुनने के लिए नहीं बताएंगे। आज भी देखिए आप, दो दो तीन तीन घंटे लोग ट्रैवल करके जाते हैं। ये तो आपको तो सब शायद यहां वहां मिलता होगा, मैंने अपनी आंखों से देखा है लोग ढाई ढाई तीन तीन घंटे यहां से लोनावाला पता नहीं कहां कहां से जानते क्यों जाते हैं? भोजन के लिए। कई बार आपने देखा है यूट्यूब जो आपके हाथों में रहता है, कभी इतने किचन के इतने 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 चैनल्स थे जितना आज आप देख रहे हो। यीशु कह रहा था कि अंतिम दिनों में ऐसे दिन होंगे जब इंसानों के अंदर खाने के लिए इतनी लस्ट होगी, मुझे चाहिए। आज भी आप देखिए, मैं ऐसे घरों को जानता हूं जिसमें खाने की वजह से झगड़े होते हैं। बच्चा बोलता है मां को मैगी बना के दे, बेटा अब नहीं है कल लेकर आऊंगी, कुछ और बना के दो, मैगी चाहिए। हो खाने की बात पे झगड़े। मैं एक दिन एक घर में था, अनबिलीवर थे वो, सॉरी वो बिलीवर थे, पास में अनबिलीवर था, दोनों के दरवाजे खुले थे, मैं अंदर बैठा हुआ था, अचानक मैंने बाजू वाले रूम में देखा थाली बाहर। थाली बाहर, खाने का भजिया भजिया सब पड़ा हुआ था। अब मैं थोड़ा उन दिनों में इमेच्योर था तो मैं निकला बाहर, और वो आदमी इतना गुस्से में था, मैं अंदर चला आया कि जो मुझे मिलने वाला है वो भी ना फेंक दे। क्या करती है, खाना नहीं बनाती है? वाह रे, ये खाने के लिए। सोचो जिस टाइम आपको पाव भाजी खाने का मन है और प्रभु आपको कहे खाएंगे कल, आज नहीं, आज क्या खाना है, आज ये खा, नहीं। कितना बड़ा बंधन है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए। इसको जानते हैं क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुलामी। सब बातें मेरे लिए अवश्य तो हैं, पौलुस कहता है, पर मैं किसी चीज का गुलाम नहीं बनता। यू नो, इन आखिरी दिनों में आप जानते हो लोगों को क्या देखते हो कलोगे? खाना 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 खाना। मैं एक जगह पे गया था, वहां लिखा था फूड इज गॉड, डोंट वेस्ट इट। मैं बोल रहा था बात तो सही है लेकिन थोड़ी उल्टी है। इससे लिखा है फूड इज गॉड, जबकि बाइबल बताती है गॉड इज योर फूड। और कभी कभी आपने देखा है आप होटल में जाते हो, तीन लोग कितना ऑर्डर कर लेते हो और आप आधा भर के एक दूसरे को इशारे कहते हो, मेरा तो हो गया, ये तो ठीक है पार्सल मिल जाता है। पर कितने लोगों को ऑर्डर देते टाइम प्रभु का ये वचन याद आता है, बचे हुए टुकड़े उठाओ, डोंट वेस्ट फूड। भले ही वो खुदा नहीं है पर आप उसे वेस्ट मत करो। मैं आपको सच कहता हूं, मैं एक परिवार को जानता हूं, एवरी सिंगल डे वो एक ही खाना खाते हैं, चावल और थुअर की दाल, 31 के 31 दिन। मैं आपको ऐसे लोगों को मिला सक दिखा सकता हूं जो 10 रुपए का भजिया दो पाव सारा दिन चलते हैं। जरा सोचिए आप कितने अनथैंकफुल रहते हैं कई बार, मुझे क्या मिला, मुझे क्या, कितना वेस्ट करके आते हैं आप। मैं धन्यवाद देता हूं उन प्यारे भाइयों का जो एवरीडे चर्च के अंदर खाना बनवा के पैक करके लोगों को देने आते हैं। ब्रदर आई सैल्यूट यू। जो मैं कभी फास्टिंग में रहता हूं ना, जानते हो मैं क्या लर्न करता हूं, हंगरनेस में क्या होता है। मैंने ये लर्न किया है जब फास्टिंग में भूख लगती है
तो कभी कभी मैं उन लोगों का पेन समझ लेता हूं जो भूखे होते हैं। मैंने इतना ब्लेस्ड हुआ एक दिन, मैंने खुद को भूखा रखा था ये समझने के लिए कि भूख होती क्या है। पहले के दिनों में मुझे भूखा रहना पड़ा था कुछ समय पहले, पर इन दिनों में कभी कभी मैं भूख में रहता हूं ना, मैं लर्न करता हूं भूख क्या होती है। फिर जानते हो जब मैं किसी गरीब से मिलता हूं ना, मुझे महसूस होता है ये आदमी कहां से गुजरता होगा। मेरे भाइयों और बहनों, अंतिम दिन ऐसे दिन है, खाने पीने पर लोग का मन लगा रहेगा। खाना पीना पाप नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है आप रात को कुछ खाना ही नहीं बनाओ, आपके पति मेरे को कॉल करेंगे क्या सिखाया खाना नहीं दे रही है मुझे, वो बिल्कुल भी नहीं। खाना बिल अच्छे से अच्छा क्वालिटी फूड खाओ, सारा दिन दिमाग इससे मत चलाओ। दूसरी चीज ईश्वर जानते क्या कही, उन दिनों में लोग कहां थे, बोलो शादी ब्याह। चलो एक सवाल पूछते हैं, जो भी लोग सेलफोन यूज करते, जब आप किसी से चैट करते हो बताओ आप क्या कर रहे हो, क्लीन चैट, बोलो मैं रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा हूं। यीशु कहता है अंतिम दिन संबंधों के दिन है। आप कभी कभी देखते हो रास्ते पर स्टूडेंट्स, बड़े बड़े लोग बैग ऐसे पहन के, मैंने कितने लोगों को देखा है रास्ते पर। एक लड़की तो गटर में गिर गई थी, हाँ हमारी चर्च है आरकेटी के पास चर्च थी, गिर गई थी। सैंडविच वाले ने बोला ये आपकी तरफ आ रही थी क्या, देखो कौन है। हम लोग वहां पर गए तो उससे बोला भैया हाथ दो ना, हमने हाथ दिया तो हमने बोला आप कैसे गिर गए, इतना इतना डीप खड्डा है, चैट कर रही थी, पता ही नहीं चला उसको। कभी कभी आपने ये बात देखी है, किसी से रिलेशन मेंटेन करते करते आपका पूरा दिन बर्बाद हो गया, आप इतने इंबैलेंस क्यों हो। कई लोग कहते हैं ब्रदर हम आपको एक दिन मैसेज करते हैं, रिप्लाई दूसरे दिन आता है, क्यों आप फंस नहीं हो मेरे लिए, शायद तीसरे दिन भी आएगा। बहुत लोग कहते हैं ब्रदर आपको मैंने मैसेज किया रिप्लाई नहीं आया, क्यों आप मुझे सैलरी देते हो, मेरे पास और कुछ काम धंधा नहीं है, मेरे पास खुद का परिवार नहीं है, बिजनेस नहीं है, चर्च नहीं है, मैं वहां नहीं देखूं, बस सारा दिन रिलेशनशिप भी देखता रहूं। परमेश्वर के साथ चैट करते हो आप, हाँ कभी ऐसा संबंध बना है प्रभु का, आप यहां से बोलो वहां से बोले, यहां से बोलो वहां से बोले, बोलिए यीशु था ऐसा। यीशु ये वाक्य बहुत कम यूज करता था, प्रार्थना में रखूंगा, हम करते हैं क्योंकि हम थोड़े पिछड़े हैं, अब तक संबंध नहीं बनाया। लेकिन यीशु कभी लोगों को नहीं कहता था, जब लोग उसके पास आते थे प्रभु मुझे ये प्रॉब्लम है दो दिन रुक प्रेयर करता हूं आंसर आने दे, वो उनको ऑन द स्पॉट बताता था। वो इतना स्पिरिट में स्ट्रांग था, वो जान जाता था कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। काश हम भी उस तक पहुंच पाए। मैं नहीं कहता हूं संबंध मत रखो, कहीं ऐसा तो नहीं है संबंध ही बनाते रह रहे हो। याद रखिए अटैचमेंट एक ऐसी चीज है, अगर आप बहन भी हैं आप भाई भी हैं आप किसी से भी अटैचमेंट रखो, मैं आपको लिख के दे सकता हूं जिसके साथ आपकी अटैचमेंट है ना वो आपसे बुरा भी करने के लिए कहेंगे ना आपको करना पड़ेगा, वो आपको प्रभु के खिलाफ कचरा डालेंगे, लोगों के खिलाफ कचरा डालेंगे, आपको लेना पड़ेगा। मैं सोच रहा था आदम ने हवा को क्यों बोला, क्यों खाई, क्यों खाया तूने वो, अरे ये तो छोड़ो खुद भी खा लिया, क्यों अटैचमेंट थी। और तीसरी बात यीशु कहता है अंत के दिनों में एक और चीज लिखी है, लोग पौधे लगाएंगे, बोलो पौधे, हाँ पौधे लगाना पाप था। यीशु समझा रहा था लास्ट डेज में लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपना घर बनाने में होगा, ये घर बनाने में नहीं। इन सब चीजों की वजह से याद रखिए उन लोगों ने वर्ड को रिजेक्ट किया था, उनके ध्यान वहां थे। अब मैं आपको इस स्टोरी की एक ऑसम लाइन समझाना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। उन दिनों में दो भीड़े थी, दो लोग थे,
एक लोग ऐसे थे जो दुनिया में इंजॉय कर रहे थे, पर एक व्यक्ति ऐसा था जो बोट बना रहा था। आप में से कितने लोग इस तरह हैं कि आप इस भीड़ से अलग हो गए हो और आप नोहा की तरह हो? और जानते हो नोहा के लिए सबसे ऑसम थिंग क्या थी मेरे भाइयों मेरी बहनों? वो एक ऐसा काम कर रहा था जिस काम में उसे कोई रिजल्ट नहीं मिल रही थी, पर फिर भी वो विश्वास हो गया बना रहा। कर सकते हैं आप? कोई है यहां पर जो घंटों भर प्रार्थना करता है, सालों से प्रार्थना करता है, कोई रिजल्ट नहीं देखता है, फिर भी प्रभु को कहता है मैं विश्वास योग्य बने रहूंगा। मैं सोच रहा था नोहा क्या कर रहा था। सबसे पहले एक ऑसम थिंग वहां पर सिखाई गई है, दुनिया का प्रभाव उस पर नहीं था। अरे बहुत लोग जब पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं रहते हैं, नौकरियों पे जाके देखिए गलत एटीट्यूड लेकर आते हैं, लोगों से मिलकर देखो उनकी मिक्सिंग लेकर आते हैं। एक ऐसा व्यक्ति उन दिनों में था जो इतनी गंदी दुनिया में था, पर कोई भी उसका असर उस पर नहीं था। और देखिए ये यहां से तो अलग होकर अपना काम कर रहा था, पर अपने काम में भी रिजल्ट नहीं दिख रहा था। कभी आपने इस बारे में सोचा? एक आत्मा नहीं बचा पाया वो। मैं सोच रहा था क्यों इस आदमी का नाम इतना बाइबल में आया। और जानते हो एक दिन प्रभु इस्राएल को क्या कहता है? तुम्हारे लिए नूह भी विनती करे तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पढ़ा है आपने? याजकल की किताब में लिखा गया है चाहे नूह दानियल यूसुफ जिंदा होते तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। परमेश्वर एक राइटियस मैन को हजारों सालों तक प्रभु से नहीं भूला था। पढ़ के देखिए, एक व्यक्ति का दुनिया का कोई प्रभाव उस पर नहीं है, वो वैसे ही जी रहा है और अपना काम कर रहा है, पर वो अपने काम में भी कोई रिजल्ट नहीं देख रहा है, फिर भी वो विश्वास योग्य बना रहा।